श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ असतोमासद्गमय तमसोमाज्योतिर्गमय मृत् ऊ शांति 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 सभी को सादर नमस्ते देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों विशुद्ध वाल्मीकि रामायण कथा को हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी 25वीं कक्षा को पढ़ेंगे 24 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं 25वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है विशुद्ध रामायण कथा उतने ही आपको सभी वीडियो क्रम से देखने के लिए उपलब्ध है आप सभी देख सकते हैं जब चाहे तब और हमारा उद्देश्य है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री राम जी के समय में हुए जो अन्य महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों का जो जीवन है वो विशुद्ध रूप में करोड़ों लोगों तक पहुंचे तदर्थ ये सीरीज हम चला रहे हैं तो आपसे अपेक्षा करते हैं निवेदन करते हैं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक, अधिक, अधिक अपने मित्रगण गान, परिवारिकनों तक शेयर करके ले जाएं जिससे उनको भी भगवान श्री राम जी तथा तत्कालीन अन्य महापुरुषों के जीवन आ, की सत्यता का ज्ञान हो सके ठीक चलिए है चलिएगा ये विशुद्ध रामायण कथा है पुस्तक है इसमें तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण इसमें दी गई है यदि आप चाहते हैं पुस्तक को आ, प्राप्त करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस पुस्तक को प्राप्त करने का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं चलिएगा तो गत कक्षा में हमने आपको इक्कीसवा एक, एक सरगाह पूरा आपको पढ़ा दिया था गंगा जी के तट पर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी और भी उनके अन्य अनुयायी लोग वहाँ पर रात को रुके थे ठीक है और वहाँ पर आपस में चर्चा की थी विश्वामित्र जी ने अंत में जब राम जी ने पूछा था कि भाई ये गंगा नदी का इतिहास क्या है, है? सरयू नदी जो है उसका इतिहास क्या है जो गंगा तो उसके इतिहास के बारे में उन्होंने चर्चा की है विश्वामित्र जी ने सबको बताया था यहाँ पर हमारा पिछला प्रकरण समाप्त हुआ था ये ठीक है राम के इस प्रकार पूछने पर ठीक है ये गंगा नदी को सरयू नहीं सरयू नहीं गंगा नदी तो गंगा नदी के पूछने पर भाई ये इसका इतिहास बताइएगा त्रिपथगा जिसको गंगा जी को त्रिपथगा भी बोलते हैं तो ये हो गया था अब उसके बाद में हमारा है द्वाविंश सर्गह बाईसवा सर्ग इसमें है ये विशाला नगरी में अब विशाला नगरी में उनका आज इस सर के अंदर जो भी कुछ है वो बताया जाएगा ठीक है चलिएगा आइएगा देखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं ततः प्रभात विमले विश्वामित्रम महा मुनिम उवाचराघवो वाक्यम कृताहनिकमरिंद महा वाल्मीकि जी कहते हैं विमल प्रभात होने पर माने एकदम प्रभात ऐसा हुआ साफ एकदम सूरज एक दम, बहुत चमकीले एकदम लाल लाल निकले हैं होने पर दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो श्री राम विश्वामित्र जी से बोले अपने संध्या और अग्निहोत्र आदि करने के बाद प्राप्त नाश्ता आदि करने के बाद फिर विश्वामित्र जी से भगवान श्री राम जी ने कहा क्या कहा कहते हैं गता भगवती रात्रि ही शोतव्यं परमाद्भुतम् तरामश सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदी हे महा महर्षि रात्रि तो अद्भुत कथा सुनते हुए ही व्यतीत हो गई माने महर्षि विश्वामित्र ने बहुत सारी उस गंगा के विषय में कहावतें जो भी बातें प्रचलित हैं वो सब बताते रहे ठीक है आइए अब नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथ गंगा नदी को पार करें ठीक है अब गंगा नदी को पार करते हैं जो उनको जाना है वहां पर मिथिला नगरी को ठीक है तम राघवस्य महात्मनः संतारंकार सराघब महात्मा राम के ये वचन सुन विश्वामित्र जी ऋषिगण और राजकुमारों के साथ गंगा के पार हो गए विश्वामित्र जी और सभी लोग अब गंगा नदी को पार कर गए तब जो नाव आदि थी उसके माध्यम से पार कर ली उन्होंने आगे कहते हैं उत्तरम तीर मसाद्या तदा गंगा कूले निविष्टास्ते विशालाम दृशो पुरी गंगा जी के तय उत्तर तट पर पहुंचे ऋषियों को विदा कर वे गंगा के किनारे बैठ गए तभी उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा कहते हैं गंगा जी के उत्तर तट पर उत्तर साइड में तट पर पहुंच ऋषियों को विदा कर अब ऋषियों को वापस कर दिया जो उनको वहां छोड़ने आए थे वे गंगा के किनारे बैठ गए गंगा के किनारे ही बैठ गए तभी उन्होंने वहां से एक विशाला नाम की नगरी को देखा भगवान श्री राम जी ने ठीक है होगी वहां विशाला नाम की नगरी कोई और कहते हैं तुनिवरूर्ण जगा राघव विशालाम्या स्वर्गो स्वर्गोपम तदा तदनंतर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ ले स्वर्ग के समान सुंदर और रमणीक विशाल नगरी में गए उसके बाद में विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ में मैंने स्वर्ग के समान स्वर्ग मैंने वहां पर सारी सुविधाएं थी अच्छी नगरी थी बताते हैं तो वहां पर रमणीय जो विशाल नगरी है उसमें वो गए भाई चलो अब इस नगरी में प्रवेश करते हैं और कहते हैं आगे अथ रामो महाप्राज्यो विश्वामित्रम महा अप्रच प्रांजलि पुरी। तब बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा अब भगवान श्री राम जी भाई वो बालक अवस्था में तो थे ही ठीक है तो जान जानने की इच्छा होती है नई नई चीजें जो भी कुछ देखते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो बालक होते हैं सात आठ दस बारह पंद्रह वर्ष के उनको कोई चीज नई चीज चाहिए आती है सामने तो वो जानना चाहते हैं ये कैसे बना इसका इतिहास क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है इसकी ठीक है तो उसका इतिहास पूछा विशालापुरी का कतम राजा भंशोयम विशालायाम शोतुमिच्छा तो भद्रम ते परम कौतूहल हिमे हे मुने आपका कल्याण हो कृपया बताइए इस पुरी में किस वंश का राजा राज्य करता है यह जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ अर्थात इस जो पहले राजाओं के प्रसिद्ध वंश थे है? जैसे रघुवंश है इक्ष्वाकु वंश है वो सी रघु और एक कोई एक ही वंश है इसी का कुरु वंश है तो उसी प्रकार से राजाओं का वो भगवान श्री राम जी ने पूछना चाहा कि भाई इस नगरी विशाला नगरी में किस वंश का राजा और कौन राजा राज्य कर रहा है अभी ठीक है तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं रामस्य मुनि निप आख्या तुम तत्समारे भे विशाला पुरातन मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी राम का वह वचन सुन विशालानगरी का प्राचीन इतिहास कहने लगे अब का विश्वामित्री है? ठीक है जी बताते भाई वो तो आचार्य लोग हैं उनका तो यही काम है ठीक है उन्होंने राम को उस विशाल नगरी का इतिहास बताया तो महर्षि वाल्मीकि जी बताते कि क्या बताया इतिहास उन्होंने वो कहते हैं महेंद्राध्युषिता पुरा दिम यप सिद्धा एव परिचार कहते हैं हे राम यह वही स्थान है जहां इंद्र ने तप सिद्धा माता दिति की सेवा की थी इंद्र ने जो तप सिद्धा तप को से सिद्ध जो माता दी दी हुई है तो उनकी आकर के सेवा की थी राजा इंद्र ने वो वही स्थान है विशाल नगरी वही है ठीक है और कहते हैं इक्शाकोस्तु न्याघ्र पुत्रा पारा धार्मिक अलंबुषाया मु उत्पन्नो विशाल विश्रुता तेन चासी हस्थाने विशालेति पुरी कृता संप्रति पुरी शासति सुमतिर्नाम दुर्जय हे पुरुष सिंह इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने जो अलम्बुषा नाम अलम्बुषा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था यह नगरी बसाई थी इस समय दुर्जय सुमति इस पुरी पर शासन करते हैं कहते हैं कि जो इक्शाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल थे और जो अलम्बुषा नाम के गर्भ से उत्पन्न हुए थे अलम्बुषा नाम की कोई स्त्री थी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे यह नगरी उन्हीं ने बसाई थे अर्थात वंश के किसी व्यक्ति ने बसाई है ये तो और प्रसन्नता की बात है भगवान श्री राम जी के लिए ठीक है लिए। और इस समय यहाँ पर सुमति नाम का राजा दुर्जय दुर्जय सुमति सुमति नाम तो, तो दुर्जय मना अच्छा श्रेष्ठ राजा राज्य करता है यहाँ पर और कहते हैं आगे इक्श्वाकोस्तु प्रसादिका नृपा दीर्घायुषा महात्मा वीरवंता सुधार्मिका महाराज इक्ष्वाकु की कृपा से विशाल नगरी के सभी राजा दीर्घायु महात्मा पराक्रमी एवं धार्मिक होते रहे हैं माने अच्छे राजा होते रहे इस नगरी के इतना विशेष है ठीक है वो महाराजा इक्ष्वाकु का ही आशीर्वाद मानिएगा तो और कहते हैं इहाद्य रजा निम्रामा नर श्रेष्ठा जनक द्रष्टुमरहसी विश्वामित्र जी ने कहा हे राम आज की रात हम यही विश्राम करेंगे और कल राजा जनक से भेंट करेंगे अर्थात फिर राजा जनक के यहाँ पर चलेंगे और वहीं मिलेंगे ठीक है सुमतिस्तुमहातेज विश्वामित्रमुपागत शुवा नरवशेष्ठ शुवा नरवरशेष्ठ प्रत्यागछन महायशा महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र का आगमन सुन उनके स्व स्वागतार्थ आए जब राजा सुमति को पता लगा कि भाई विश्वामित्र जी आए हैं जी प्रसिद्ध आचार्य हैं उस समय के तो वो आगमन के लिए स्व अपना माने आए हैं तो स्वागत करने के लिए वो स्वयं आए पूजाम च कृत्वा सोपाध्यायह स बांधवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रं मथाब्रवीत् उपाध्याय और परिवार जनों के साथ उनका स्वागत सत्कार कर एवं कुशल पूछकर वे विश्वामित्र जी से कहने लगे अर्थात तो उनका अपना परिवार के लोग भी उनके स... साथ में स्वागत करने के लिए गुरु जी का आए विश्वामित्र जी का और उनकी कुशल क्षेत्र पूछी महाराज जी कैसे और कहते हैं आगे धन्यस्तोस्मी ये विषय मुने संप्त दर्शन चन्या धन्यतरो मम मुने मैं धन्य हूँ मैं अनुग्रहित हूँ जो आपने मेरे राज्य में पधारकर मुझे दर्शन दिए मुझसे बढ़कर धन्य आज और कोई नहीं अर्थात वो विश्वामित्र जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है भाई श्रेष्ठ लोग यदि हमारे पास में आए तो हम धन्य हैं है? हमारा जीवन सफल है हमको अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिलती है तो अब श्री राम जी और विश्वामित्र जी विशाल नगरी में विश्राम करेंगे अपनी बातें करेंगे चर्चा करेंगे यहाँ पर इतना हमें महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है अब आप देख रहे हैं कि श्री रामायण जो तो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है इसमें बीच बीच में अर्थात राम का इतिहास नहीं है उस उस काल का उस अन्य राजाओं के बारे में भी आपको इसमें बातें बताई जा रही हैं ठीक है स्थानों के नाम हमको ज्ञात हो रहे हैं कि प्राचीन काल में इस इस नाम के स्थान थे इस प्रकार इस, इस इस नाम के राज्य थे ठीक तो सभी बातें हमें इस रामायण के इतिहास में राम कालीन जो है वो सभी ज्ञात हो जाए ठीक तो अवश्य इस कथा को सुनते रहिएगा यहाँ पर कुछ विशेष आएगा वहां पर हम अपनी तरफ से आपको बातें बताएंगे और ये ध्यान रखिए कि भगवान श्री राम जी और उस समय के जो भी गुरुजन थे वो प्रतिदिन यज्ञ संध्या आदि करते थे ठीक है ऐसा नहीं था कि वो परमात्मा को नहीं मानते थे ठीक है बार बार आ रहा है भगवान श्री राम जी भी ईश्वर को मानते थे लक्ष्मण जी भी मानते थे विश्वामित्र जी भी मानते थे ठीक है तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जिस भगवान को जिस ईश्वर को भगवान श्री राम जी मानते थे लक्ष्मण जी मानते थे विश्वामित्र जी मानते थे और भी उस तत्काल के जो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो सब जिस परमात्मा को मानते थे उसी परमात्मा को हमें भी मानना चाहिए इधर उधर के इकट्ठे नहीं करने चाहिए चलिएगा तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं इति द्वा विंशवा सर्ग समाप्त हो गया आप तेईसवा सर्ग पढ़ेंगे पुस्तक चाहिए तो आपके लिए हमने सुविधा दे दी है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा अथवा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दिया गया उस पर क्लिक करके आप पुस्तक को मंगा सकते हैं बहुत ही सुंदर पुस्तक है सजिल्द है पृष्ठ इसका बहुत अच्छा है और विशुद्ध रामायण के अंदर अशुद्धि नहीं अर्थात कोई जो कुछ प्रक्षेप इसमें डाल दिए थे लोगों ने उनको निकाल दिया गया सभी को सादर नमस्ते